Welcome to Student Kabri. This is Arshi Khan. Another comparison video. यार जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि जब हम कॉलेजेस सर्च कर रहे होते हैं तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि दिल्ली में लें या बैंगलोर में, मुंबई में लें या फिर अहमदाबाद में या हैदराबाद में. सो ये कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है. बट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट ऑफ टाइम जब होता है जब हम दो कॉलेजेस के बीच में कंफ्यूज होते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू डिसाइड कि बिटवीन बोथ ऑफ देम हमें कौन सा ऑप्शन कंसिडर करना चाहिए. एंड दैट इज द रीज़न इन दिस वीडियो आई कंपेयर टू बी स्कूल्स. जो एक है वो मुंबई में लोकेटेड है, ITM बिजनेस स्कूल, एंड जो दूसरा है वो बैंगलोर में लोकेटेड है जिसका नाम है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर. अगेन अगर हम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की सबसे पहले बात करें, दोनों पे इंडिविजुअल वीडियो बना हुआ है. अगर आप वो चेक करना चाह रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके वो इंडिविजुअल वीडियो चेकआउट कर सकते हैं. बट अब कंपैरिजन हम बात करें तो 1969 का है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, ना NUGC अप्रूव्ड है और PGDM MBA कराता है. वेर एज अगर हम दूसरी तरफ ITM की बात करें, 1991 का कॉलेज है, प्राइवेट ऑटोनॉमस है, AICT है, NAAC है, MBA का अक्रोडेशन है एंड PGDM ऑफर करता है. अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं दोनों कॉलेजेस की, सबसे पहले ऑब्वियसली ज्यादा पुराना जो है वो क्राइस्ट कॉलेज है. बट कोई कॉलेज कितना पुराना है उस हिसाब से डिसाइड करना कि वो कितना अच्छा है ये एक वैलिड पॉइंट नहीं है, बिकॉज कई सारे कॉलेजेस हैं. हाँ ये ज़रूर चीज़ ये एक चीज़ ज़रूर है कि वो कितना बहुत ज़्यादा नया तो नहीं है कॉलेज. अपार्ट फ्रॉम इट, क्योंकि अगर ऐसा देखा जाए तो यू नो क्राइस्ट इज़ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स प्लस यू नो ओल्ड इंस्टीट्यूशन है. बट अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें, MBA कराता है, 8.5 के आसपास का फीस स्ट्रक्चर है, वेयर इज ITM का है 11 लाख के आसपास का फीस स्ट्रक्चर अगर हम ऑन एन एवरेज देखें. अब इसमें आप हॉस्टल इंक्लूड कर दो तो ये ऑन अ हायर साइड ही जाता है. अगर हम दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर मैं ITM की बात करूँ, मिनिमम 50% इन योर ग्रेजुएशन, देन आप एप्लीकेशन फिल करते हो, ऑलमोस्ट सारे एंट्रेंस एक्सेप्ट करता है, कुछ में 70, कुछ में 80, कुछ में 85-90 एंड उसके बाद आप इनरोल कर सकते हो. अब ये क्वेश्चन एक और कई सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आएगा कि मेरा तो इतना कम परसेंटाइल नहीं है, ये काफ़ी नोन है फॉर मार्केटिंग, राइट? सो इफ यू वांट टू गेट इनटू मार्केटिंग देन माइट बी यू नो दे सी योर कि आपका कितना एंट्रेंस में स्कोर है. बट अगेन इफ यू आर एबल टू जस्टिफाई एट द टाइम ऑफ GDPI यू विल बी एबल टू क्रैक दिस इंस्टीट्यूशन. और दूसरी तरफ अगर हम क्राइस्ट की बात करें कि इसका कट ऑफ क्या जाता है, किस रेंज के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं, तो अगर हम बात करें तो कैट का 70 के आसपास का कट ऑफ है. अगर हम GMAT में बात करें 450 मार्क्स के आसपास का. अगर हम CMAT की बात करें 70 के आसपास का. एंड इवन कैट में थोड़े कम परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स भी इनरोल कर सकते हैं. दोनों ही कॉलेजेस में JDPI प्रोसेस होते हैं, देन यू कैन इनरोल इनटू द कॉलेज. Now, if I talk about Christ, it's a university, it offers various courses and Christ is more known for BBA. Whereas on the other hand, if I talk about ITM, it is known as a B school. Inke bhi kai sare campus hai, including Chennai, Dombrivali, Khargar. But again, their Khargar campus is quite known when it comes to marketing. So, agar hum baat kare exposure ki, guest faculties ki, curriculum ki, to wo I think ITM ka kaafi acha hai. And whereas agar hum dusre end mein Christ ki baat kare, to Christ jo hai, अपनी UG कोर्सेज के लिए ज्यादा जाना जाता है एज मोर देन देयर MBA प्रोग्राम. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी स्टूडेंट का, अगर मैं भी MBA कॉलेज दे रही होती तो उसी बेसिस पे स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं. वो बाकी चीज़ों को थोड़ा सा कम प्रेफरेंस देते हैं जो मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए, बिकॉज हर स्टूडेंट की प्रोफाइल के हिसाब से ये मैटर करता है कि आपको 2 साल कॉलेज के अंदर कितनी ग्रूमिंग मिलेगी, कितना आप कितना आप इम्प्रूव करोगे. बिकॉज यू नो आपको प्लेसमेंट तभी मिलता है व्हेन यू आर एबल टू सेल योर सेल्फ. इफ़ यू हैव स्किल्स एंड नॉट जस्ट कि आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, आप वो स्किल्स को दिखा भी पाओ. तो ये स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है. तो अगर आपके दिमाग में भी ये कन्फ्यूजन है कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप कौन से बी स्कूल्स को टारगेट कर सकते हो, क्या ये दोनों ऑप्शन अच्छे हैं, तो ये जो नीचे नंबर दिया है उस पर जाके आप यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन विद द काउंसलर. अपना प्रोफाइल शेयर कर सकते हो, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस शेयर कर सकते हो, दे कैन गाइड यू दैट आप कैसे बी स्कूल को टारगेट कर सकते हो. कमिंग बैक टू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज प्लेसमेंट्स, कि दोनों के प्लेसमेंट सिनेरियो क्या हैं और
प्लेसमेंट्स का क्या सिनेरियो है और उनमें दोनों में से कौन सा कॉलेज बेटर है। अगर मैं ITM के प्लेसमेंट्स की बात करूं, 7.58 के आसपास का ये एवरेज क्लेम कर रहे हैं, हाईएस्ट 15 लाख का। वेरेज अगर हम दूसरी तरफ क्राइस्ट के प्लेसमेंट्स की बात करें तो 5.75 के आसपास का एवरेज क्लेम कर रहे हैं, 14 लाख रुपीज का हाईएस्ट प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं, जो थोड़ा सा ऑन लोअर साइड है। तो अगेन अगर आप दोनों में कंपेयर करोगे तो यू नीड टू थिंक दैट विच कॉलेज इज नोन एज अ बी स्कूल, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि जितना पुराना क्राइस्ट है उस हिसाब से उतना प्लेसमेंट जितना होना चाहिए था वैसा नहीं है दोनों ही उस पर। बट अगेन दिस वॉज यू नो पॉइंट टू पॉइंट स्टफ विच आई टोल्ड यू कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हो दोनों में कौन सा बेटर है। बट अगेन आप कौन सी स्पेशलाइजेशन ले रहे हो, आपके कैट में सीमैट में कितने परसेंटाइल है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से दोनों में से कौन सा बेटर ऑप्शन है, तो जो नीचे नंबर दिया है उस पर जाके आप यू नो गाइडेंस ले सकते हो अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो दिस वॉज बिटवीन ITM एंड क्राइस्ट, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन इवन डिसाइड दैट which one is better option if they are confused between two. And for more such video, you can subscribe to the channel, hit the bell icon right next to it, and let me know in the comment section if you want me to compare any college, and not just compare, if you want me to make any video on any college. Till then, stay tuned.